पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के शपथ ग्रहण की मंजूरी मिल गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अमृतपाल सिंह को सांसद की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। खालिस्तान समर्थक एम वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह की खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हुई थी और वो अभी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अमृतपाल ने अभी तक सांसद की शपथ नहीं ली है। वहीं पंजाब के अन्य 12 सांसदों ने संसद सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। खडूर साहिब लोकसभा सीट पर अमृतपाल सिंह ने 4,04,430 मतों के साथ जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में अमृतपाल सिंह के निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा थे, जिन्हें 2,07,310 वोट मिले थे। लोकसभा से अमृतपाल सिंह का सांसद के तौर पर नाम और समय मिलने के आदेश के बाद उन्हें तय समय के लिए पैरोल दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि एक हफ्ते के भीतर अमृतपाल की शपथ हो सकती है। अमृतपाल पर NSA की अवधि एक साल के लिए बढ़ाकर 23 अप्रैल 2025 तक कर दी गई है। फरीदकोट के MP सरबजीत सिंह खालसा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर इस विषय पर बात की थी। लोकसभा सेशन बंद होने की वजह से उन्हें संसद की बजाय चैम्बर में शपथ दिलाई जाएगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब BJP अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं कानून के खिलाफ जाने वालों का हिमायती नहीं हूं। मैं ऐसे लोगों को जेल से रिहा करने के भी खिलाफ हूं। दूसरी तरफ अनंतपुर साहब से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से इसमें कोई रुकावट नहीं है। लोगों ने अमृतपाल को जिताया है, ये लोगों ने उनके हक में एक मैंडेट दिया है, बाकी फैसला लेना लोकसभा सचिव और सरकार का काम है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।